क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये। तो ये जो फॉर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा बार ये फॉर्म आती है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसको कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब भी ये फॉर्म मिले आपको, इसको कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ये कोस एक्स से डिवाइड हुआ 1, ये कोस एक्स से डिवाइड हुआ 10x, ये कोस एक्स से डिवाइड हुआ 1, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ये 10x। अब ये फॉर्म भी आपको बहुत बार मिलेगी, ये फॉर्म क्या है, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। इसको 1 को लिख देते हैं हम 10y/4, क्योंकि 10 45 1 होता है, -10x अपॉन 1 प्लस, यहां भी इसको लिख दिया 10π/4 into 10x। कोई फर्क नहीं, 10π/4 क्या 1 है, 1 की 10x से मल्टीप्लाई हुई, 10x ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां अंदर ये गौर से देख रहे हैं हमें, 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, ये 10 a - b का फॉर्मूला है, 10 इनवर्स अंदर हो गया, 10 a क्या है 5/4 और माइनस बी क्या है वो 10 है x है। ठीक है, 10 a x वो, ठीक है, तो ये है 10 a - 10 b का फॉर्मूला है, 10 a - 10 b 1 upon 1 plus 10 a 10 b। अब यहां तो कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया 5/4 - x, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट 9th सम है। देखो मैंने उस दिन आप एक दिन बताई थी आपको कि 1 - x² 1 + x² कैसे पुट करते हैं, वैसा ही है, जहां पे आपको a² - x² मिल जाए और आपको पुट करके सिंपल करना है, तो उसको a² - x² है तो उसको या तो a sin θ या a cos θ पुट कर सकते हो। पुट एक्स इक्वल टू a sin θ। ठीक है, यहां से ए को इस साइड जाए, उस साइड रहेगा साइन, साइन को इस साइड जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए पुट कर लो, 10 इनवर्स a sin θ अपॉन √a² - a² sin² θ हो जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स a sin θ, अंदर इसके क्या आ गया, a² कॉमन आ गया, 1 - sin²θ, 10 इनवर्स a sin θ, a² का स्क्वेयर रूट कैंसिल, ये ए आ गया, 1 - sin² क्या होता है, cos²θ, और cos²θ का भी रूट कैंसिल, cos θ ये कैंसिल, sin θ / cos θ 10θ। ठीक है, कैंसिल रह गया थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये सिंपल हो गया। यहां देखो आप गौर से देखोगे, अंदर वाले की पहचान किया करो, अगर हम एक्स को कुछ पुट कर दे तो क्या फार्मूला बनता है, ये 10 3θ फार्मूला बनेगा। तो आप यहां पे एक्स को क्या पुट करोगे, पुट अगर ए है साथ में तो ए भी लेना पड़ेगा साथ में, x = a tan θ। ठीक है, 10 इनवर्स 3a² × एक्स की जगह है a tan θ - a³ tan³θ / a³ - 3a × a² tan²θ, 10 इनवर्स ये आ गया 3a³, और a क्यूब में कॉमन निकाल रहा हूं ऊपर। ठीक है,
और यहाँ रह जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, नीचे से भी मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ वन, ये थ्री ए क्यूब है, ये यहाँ पे भी ए क्यूब है, ये बाहर निकल गया, ये थ्री टेन। अब ये अंदर देख रहे हो आप, ये तो भाई टेन थ्री थीटा फार्मूला है, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, आ गया थ्री थीटा आंसर। और थीटा क्या है, यहाँ से थीटा निकालोगे तो थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर। सेवन सम, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, क्या वैल्यू भाई? ये वैसे लिखा जाए सिंपल सम है ये, तो टेन इनवर्स टू इंटू कॉस। यहाँ देखो, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले, साइन इनवर्स 1/2, पहली एक्सरसाइज में आपने इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी, अब आप इनको डायरेक्ट करना सीख लेंगे। टू ये देख लिया करो भाई, साइन इनवर्स, साइन 1/2 किस पे होता है? पाई बाई 6 पे, साइन 30 पे होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लिया, तूने इसको कैंसिल कर दिया। टेन इनवर्स टू कोस, यहाँ पे पाई बाई 3। ठीक है, टेन इनवर्स टू इंटू कोस पाई बाई 3, कोस 60 क्या होता है? 1/2। ठीक है, टू से टू कैंसिल, टेन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4 ही होता है, ये आंसर आ गया। अब यहां पे इसको देख, जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई तो उससे पहले हमने कुछ फॉर्मूले याद किए थे, वहां पे एक फॉर्मूला आया था कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है वो क्या होता है? पाई बाई 2। क्या होता है? पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या है? पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये भी क्या? पाई बाई 2। इस टाइप के फॉर्मूले दिए हुए, तो ये आई हो दोनों एक जैसे एंगल थे ना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और कोट पाई बाई 2 क्या होता है? कोट 90। टेन 90 क्या होता है? साइन 90 अपॉन कोट नॉट डिफाइंड होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसकी वैल्यू निकालने बेटा। यार देखो, बड़े ध्यान से देख रहे हैं हम इसको, हमने फॉर्मूले याद किए हैं, जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए उसे ये चैप्टर नहीं होगा, और फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो इससे आसान कोई भी चैप्टर है नहीं। और फॉर्मूले लगभग आपको याद है, 11th क्लास में कुछ तो फॉर्मूले याद किए होंगे और कुछ एक दो ज्यादा आए होंगे यहाँ पे। तो टेन 1/2, यहाँ पे देखो ये फार्मूला, ये क्या फार्मूला है? ये टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले होते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले होते हैं। ये होगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में, ये भी तो टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का ही तो फार्मूला, तीन फार्मूले होते हैं उसके, तो ये टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल दिया उसी में होगा ना, 1/2 टेन इन टेन 1/2, अंदर से चलो मैंने यहाँ के कॉमन निकाल लिया टू। ठीक है, यहाँ हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये टू से टू कैंसिल, ये टेंजेंट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला, सबसे पॉपुलर फार्मूला, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ से ये कैंसल, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये आ गया। ये टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले हैं, एक तो फार्मूला है टेन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², एक है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², और एक है कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², तीनों याद रखने आपको।
यहाँ देखें, इफ साइन ये वैल्यू दी, फाइंड एक्स निकालना, चलो निकालते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। साइन को सबसे पहले उस साइड ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, देखो साइन उस साइड जाकर क्या जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स वन। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो रूल क्या है, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेना, तो आप ऐसे याद कर सकते, उस साइड जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 1/5, अगर आप इसको कोस इनवर्स एक्स है उसको उस साइड ले जाते हो, तो 5/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो साइन को उस साइड ले जाते हो, 1/5 इज इक्वल टू साइन उस साइड, इनवर्स है उस साइड जाएगा साइन हो जाएगा, पूरा दो है उस पे, पूरे पे लगा, पूरे पे लगेगा ना साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन 5/2 माइनस थीटा, साइन 5/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप, ठीक है, तो क्या वैल्यू होती है, कोस थीटा वैल्यू होती है, क्या होती है, कोस थीटा क्या है, कोस इनवर्स एक्स ही तो है, कैंसल, तो एक्स यहाँ पे आ जाए 1/5, क्या आंसर आ जाए 1/5, समझ गए ना। इस प्रकार आप इन सबको सिंपल जो वे है उसके उसे कर सकते हो, और भी इसके मेथड है वो अपने पास से लगा, दोनों साइड आप कोस इनवर्स 1/5 ऐड कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है।